राजधानी भोपाल में जहां शिवराज सरकार की ओर से यूथ महापंचायत कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें युवा नीति लॉन्च की गई है, तो वहीं दूसरी ओर इसे लेकर सियासत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वहीं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी जिला महामंत्री डॉक्टर रोहन राय और कांग्रेस नेता सुवेग राठी। बिल्कुल, आपने एकदम सही फरमाया जी। ये नीति भी जैसे कि पूर्व में भी पिछले 19 सालों के कुशासन के अंदर शिवराज मामा के जी। और मैं तो बोलना चाहूंगा ये जो अपने आप को भांजे भांजियों का मामा कहलाते हैं, ये तो कंस मामा है जिन्होंने इस प्रदेश के युवाओं को व्यापम घोटाला जैसा घोटाला दिया, युवाओं के भविष्य के साथ छल और प्रपंच करने का काम करा। मध्य प्रदेश को पूरे देश में बेरोजगारी के मामले में नंबर वन प्रदेश बना दिया। आप देख सकते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान की खुद की सरकार ने, भाजपा सरकार ने ये स्वीकारोक्ति करी है कि अभी तक 39 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ हैं और उनमें से सिर्फ 21 लोगों को वो सरकारी नौकरी दे पाए हैं। तो ये तो स्वयं की उनकी खुद की एक्सेप्टेंस है, स्वीकारोक्ति है विधानसभा के पटल के ऊपर। और इसी तरह से आप देख सकते हैं चाहे एससी के युवाओं की बात हो चाहे एसटी के युवाओं की बात हो, लगभग 8 लाख एससी एसटी के युवा भी बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में जो कि रजिस्टर्ड हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह की योजनाएं तो कई तरह की लाते रहेंगे शिवराज सिंह चौहान जी। अभी चुनाव को मात्र 5-6 महीने बचे हैं आचार संहिता को, तो उसके पहले ये मायावी कार्य कर रहे हैं। कंस मामा का जो मायावी कार्य जो रहता था वही उसको भली भांति अंजाम देने का काम कर रहे हैं, पर प्रदेश का युवा जो है इनसे प्रताड़ित हो चुका है। बहुत ही चाहे युवा हो, चाहे हमारा शिक्षित युवा हो, चाहे अशिक्षित युवा हो, स्किल एजुकेशन देना चाहिए। जो जो एजुकेटेड यूथ नहीं है उनको तो जिस तरह से आप खुद ही स्वयं जो बोल रहे हैं चुनाव के पहले की बस सिर्फ लुभावनी घोषणाएं हैं और योजना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए मैम, सबसे विषय ये है कि हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनीष शिवराज जी युवाओं के लिए कितने संवेदनशील हैं कि उन्होंने जो युवा नीति की घोषणा की है और जो युवा नीति के लिए जो उन्होंने पहल की थी, तो ये पहल जो है इसमें सबसे सोचने वाली बात यह है कि किसी कमरे में किसी अधिकारियों ने बैठ के ये पहल नहीं की, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार ये हर जिलों में युवाओं से इसके सुझाव लिए गए। तो मुझे क्या लगता है कि जब किसी भी ग्रास रूट से कोई सुझाव आते हैं तो वो एक्चुअल समस्या निकल के आती है जिनका नीतियों के निर्माण होती है, जिन समस्या का उससे समस्या का समाधान होता है। तो मुझे क्या लगता है ये जो प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके और जो युवा पंचायत करके इसका जो घोषणा की है, मुझे लगता है ये बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है आने वाले समय में।